बीसीसीआई क्लीन बोल्ड और बीसीसीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले आज सुनाए हैं और अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। फॉर मी इट वॉज नॉट अ पर्सनल बैटल, इट वॉज अ बैटल फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडी। आई रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज एनी सिटीजन शुड। सुप्रीम कोर्ट जजेस फील that BCCI could do better under retired judges. I wish them all the best. चलिए इस मामले में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आदित्य वर्मा हमारे साथ हैं जो इस मामले में पेटिशनर हैं। आदित्य स्वागत है आपका इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इनफैक्ट मिडवे आ गए इस डिस्कशन के, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्रिकेट में अब कैसे सुधार आने की उम्मीद है, एक जो क्योंकि लगातार हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इसकी उम्मीद अब जताई जा रही है? आदित्य वर्मा हाँ जी बोलिए। आदित्य जी आपसे यही जानना चाहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्रिकेट में जिस सुधार की उम्मीद थी उसको देख पा रहे हैं आप? एकदम देख रहे हैं, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय ने जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मापदंड तय किया है, तो निश्चित ही अब आने वाला जो भी समय होगा वो क्रिकेट और अच्छा निखर के निकलेगा और क्रिकेट चलाने वाले जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वजह से चाहे बोर्ड चाहे स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने पद के लालच में पद पे जाने के बाद पद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, उन लोगों के लिए एक आज का जो ऐतिहासिक फैसला है एक सबक बन के निकला है कि अब आइंदे कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करेगा तो उन्हें भी वही दंड भुगतना पड़ेगा जो आज बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को भुगतना। आदित्य जी जो आपने मुद्दे उठाए थे, जो लड़ाई आप लड़ रहे थे, वो आपको लग रहा है मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है कि पहुंच चुकी है कि काम अभी बाकी है? आदित्य तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन हरपाल जी आप यहाँ पर कुछ पॉइंट ये कहना चाहता कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जबरदस्त काम किया, शायद उनको इंटेंशन नहीं थी मगर ऐसा काम कर दिया जिसके लिए खेल जगत उनका आभारी रहेगा। और सबसे बड़ा ये काम ये हुआ है कि आप जितनी भी आईओ के अंडर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन थी वो हमेशा ये कहती थी कि हम ऑटोनमस है, और जो कई स्टेट एसोसिएशन थी वो कहती थी साहब कंकरेंट लिस्ट में नहीं है हम, स्टेट सेंटर कुछ नहीं कर सकता, हम बार बार आईओ कुछ करेगा, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन कुछ करती थी, स्टेट ओलंपिक्स वगैरह कहते थे हम कंकरेंट लिस्ट में नहीं हम दूसरे लिस्ट में। अब इस फैसले से साहब ये इससे सब ये गलतफहमियाँ दूर होगी, ये एम्बिग्यूटी खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब गवर्नमेंट को इतने राहत मिली, जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था चार दिन पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा है। अब जो स्टेट एसोसिएशन थी, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन थी या स्टेट यूनिट थी बाकी फेडरेशन की, वो धमकियां देती थी कि साहब हम बिहार में हैं, हम उड़ीसा में, हम वी आर नॉट आंसरेबल टू दिल्ली। अब वो चीज़ें सब खत्म होगी, अब गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट देना है। ये इससे एक फायदा हुआ, ये स्पोर्ट्स कोर्ट जिसको नहीं मान रहे थे, ये ऑटोनॉमी के चक्कर में या आरटीआई के चक्कर में नहीं आते थे, वो सब अंदर आ जाएंगे। एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम कर दिखाया जो पिछले 70 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही थी नहीं हो। ठीक है राजेंद्र जी, लेकिन क्या इसे सरकारी हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए इनफैक्ट हरपाल जी आपसे इसका हस्तक्षेप इसलिए नहीं माना जाएगा कि आप सब कुछ तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, या तो गवर्नमेंट से कुछ ना ले कि सब हम अपने एक छोटा सा दुकान खोलें ढाबा कर, जब आपको हर चीज गवर्नमेंट से चाहिए फाइनेंस। अच्छा आप पाकिस्तान से नहीं खेल सकते क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, आप करिए ना फिर जाइए, आप कहीं भी टूर जाना हो कहीं जगह भी हो आपको गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए। अगर कहीं जगह पर गड़बड़ है आपको गवर्नमेंट कहती है टीम ना भेजें, किसी जगह पाकिस्तान छोड़िए किसी जगह भी, आपको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट चाहिए। जब आपको स्टेडियम की जमीन चाहिए गवर्नमेंट देती है, आपको मैच करना है तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, अगर आपने वर्ल्ड कप करना है तो गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी इंश्योरेंस देती है, हर चीज़ गवर्नमेंट देती है आपको, आपने सिर्फ पैसा कमाना है उसमें। आप कहते हैं साहब कि हस्तक्षेप तब होता है गवर्नमेंट टेक ओवर करती। और दूसरी बात जो अनुराग जी ने कहा कि अगर रिटायर्ड जज चलाना चाहते, रिटायर्ड जज तो नहीं चला रहे, उन्होंने कहा कि अभी ये
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी करेगा, और 15 तारीख के बाद एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिसमें गोपाल सुब्रमण्यम को रखा गया है या फाली नारीमन साहब को रखा कि आप डिसाइड करें, तो उसमें तो क्रिकेटर आएंगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा साहब कि अब वो जज करेंगे या वकील करेंगे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बड़ा क्लियर है कि 15-18 तारीख को देंगे अपना डिसीजन देंगे, उसके बाद क्या होगा वो क्रिकेटर डिसाइड करेंगे, क्रिकेटर करेंगे। इसीलिए उन्होंने 2 मेंबर कमेटी बनाई सिंपल, गोपाल सुब्रमण्यम और फाली नारीमन की, आप बताइए किस किस को लेना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होगी। तो मेरा ध्यान था क्या, जैसे मैंने आपको कहा स्वाति, ये बहुत ही क्रांतिकारी और बड़ा जबरदस्त अनइंटेंशनली क्रिकेट की वजह से सारा साफ हो गया। अब राम राय तो आने वाला नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल अब ये जोहरात मिलेंगे सबको, मगर अब वो चीज नहीं होगी, कोई करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हमने क्या किया। और आईओ इसका बड़ा फिक्स में बात गया होगा, लेकिन दो बंदों का, हालांकि आईओ का कोई लेना देना नहीं इससे, मगर इस से वर्डिक्ट से उनको यह पता चल गया कि वो आईओसी की धमकी दे रहे थे क्या। मैं आईओसी तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी देखेगी सब, इधर 4 सीटेड बंदों को या करप्ट बंदों को हटा दिया गया, तो ये एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही है। राजेंद्र जी आप यही मानते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट हुआ है आने वाले टाइम के लिए कि अगर 2 लोगों पर, वो भी जो टॉप पर है, उन पे अगर कार्रवाई की जा सकती है, तो अगर सफाई करने की बात होती है क्रिकेट की, तो किस पर, किसी पर भी गाज गिर सकती है। सी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, नोबडी इज अबव द लॉ। आप ये मत सोचिए कि अगर आप बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, और ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत अरसे से जो भी प्रेसिडेंट बनता है बोर्ड का, अगर आप बीसीसीआई के हिस्ट्री में जाए, 1948 में इनके एक प्रेसिडेंट होते थे एंथनी डिमेलो, वी वर द फाउंडिंग सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई, उन्होंने बीसीसीआई बनाई थी शुरू में 1928 में, तो वो कहते थे आई एम द बोर्ड, जितने पावरफुल लोग हैं। उसके बाद आप देखिए जगमोहन डालमिया आए, वो कहते थे मैं सबसे पावरफुल, उसके बाद श्रीनिवासन आए, वो कहते थे मेरे से बड़ा कोई है नहीं, मैंने क्रिकेट के लिए बहुत किया। अब अनुराग ठाकुर आए, वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने, आप समझते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा था, मैं तो क्रिकेट के लिए कर रहा था। अगर आप क्रिकेट के लिए कर रहे थे तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, अगर क्रिकेट का एक चेहरा था वो खराब हो रहा था, एक छवि खराब हो रही थी, तो आप उसको छोड़ देते, आप उसके साथ चिपके क्यों रहे हैं? जी, चिपके इसके रहे हैं क्योंकि एक आपको एक माइलेज मिलता है वहां पर बैठ के, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए, क्योंकि आप पॉलिटिशियंस को अगर आप देखें, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं है। आप चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता इंटरनेशनली, जो टीवी पर आप आते हैं, रोज आपको लोग देखते हैं, एक ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। और दूसरी चीज ये है कि इसके साथ आप इंटरनेशनली मूव करते हैं, आईसीसी की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, देश दुनिया भर में घूमते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो है, क्रिकेटर्स जो हैं, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, वो सितारे हैं भारत के, वो सितारे इतने ज्यादा बड़े सितारे हैं कि आप फिल्म स्टार से भी बड़ा उनको गिनते हैं। बोला कि नोबडी इज अबव।